नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरर्स के एक और नए एपिसोड में। और आज हम जानेंगे कि हमने कौन सा फिश फूड मंगाया अपनी फिशेस के लिए, वो हमें कितने का पड़ा और वो आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए पहले हम फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते, उसके बाद हम सारी बातें आगे करते हैं। तो दोस्तों, ये है ऑप्टिमम के मिनी पैलेट्स जो हमने मंगाए हैं अपनी फिशेस के लिए। और ऑप्टिमम के बारे में आपको बता दें कि ये एक जाना माना नाम है फिश फूड की दुनिया में। और ये है 200 ग्राम के और ये हमें पड़े हैं 280 के, और वो भी हमें दो पैकेट। और इसमें हमें शिपिंग चार्ज नहीं देनी पड़ी है क्योंकि हमने प्राइम की मेंबरशिप ले रखी है। अगर आप भी ले रखी होगी तो आपको शिपिंग चार्ज नहीं पड़ेंगे। और अभी हम आपको इसके न्यूट्रिएंट्स बता देते हैं। इसमें है कर्ड प्रोटीन 280%, कर्ड फैट 3%, कर्ड फाइबर 4% एंड मॉइस्चर 10%। तो ये इसके न्यूट्रिएंट्स है। और दोस्तों, इसको आप इसमें लिखा हुआ है कि ये हाईली न्यूट्रिशन फूड है फॉर ऑल एक्वेरियम फिशेस के लिए। और इसमें मिनी पैलेट्स होते हैं जिससे आप, अगर आपके कोई छोटी फिश है जैसे गप्पी मौली वगैरह, तो वो उसके लिए आप इनको दे सकते हैं। और हमने इसीलिए मंगाया है क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादातर फिश है वो छोटी है। और इसमें हम आपको दिखा देते हैं अभी कि इसमें किस प्रकार के इसमें दाने होते हैं। तो अभी हम आपको इसको खोल के दिखाते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप कि इसमें कैसे ये दाने हैं, और ये काफ़ी छोटे छोटे साइज के, जिससे आपकी किसी भी ऐसी छोटे जो फिश है उनको खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं इनको कि ये फिशेस को कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कैसे ये खाना खा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप फिश चाहे बेशक कम रखें, पर आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उसका जो फूड है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिश पे ज़्यादा ध्यान दोगे ज़्यादा से ज़्यादा लाने पे, और उनके फूड पे ध्यान नहीं दोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि उसके कलर धीरे धीरे डल हो जाएंगे, ना उसकी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी, और वो आपके पास ज़्यादा बचेगी भी नहीं। तो इतने समय मैंने जो आज तक एक्वेरियम जब से मैंने रखना शुरू करा, उसमें मैंने यही सीखा है कि आप बेशक फिश की क्वांटिटी कम रखें पर फूड की क्वालिटी बेस्ट रखें। उसी के बाद आपके पास जो फिश रहेंगी वो हेल्दी रहेंगी। तो दोस्तों, ये फूड हमने पहली बार यूज़ करा है। पहले मैं टेट्रा कंपनी का यूज़ कर रहा था। तो इसका अगर आप फुल रिव्यू चाहते हैं कि मैं इसका अपना अनुभव बताऊं, तो आप नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद हम इसको एक महीने यूज़ करने के बाद हम दोबारा इस पर वीडियो बनाएंगे, जिसके बाद हम पूरी इस पर डिटेल रिव्यू करेंगे कि भाई इसमें ये आपकी फिशेस के लिए कैसा है और कैसा नहीं। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय राधे कृष्णा।